Hello everyone, good evening and welcome back to the 247. My name is Sonu and this is our daily current affair MCQ show. As you know कि आज हमारा show है वो थोड़ा late हो गया है as I was not feeling well. So let's begin the session today. और आज के session में मैं आपके साथ कुछ questions को discuss करने वाली हूँ. See, I'm still now not feeling well, but this is my responsibility to provide you questions regarding current affair. मैं नहीं चाहती आपको कोई भी part जो है वो miss हो जाए. So anyway, we are doing the show, okay? So you have to be unstoppable in your life. There will come some days in your life when you might be feeling down, you might be not ready for studying and everything, but you have to keep going. काफ़ी बार हम अपनी लाइफ में डीमोटिवेट फील करते हैं, काफ़ी बार हम लो फील करते हैं, बट वी हैव टू कीप गोइंग. ओके, सो यू हैव टू बी अनस्टॉपेबल इन योर लाइफ, doesn't matter whatever the condition is. Okay, so let's begin with the very first question. So this is the first question. Which day is celebrated as World Oceans Day? वर्ल्ड ओशन डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है. और यहाँ पर देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 8 जून. 8 जून को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड ओशंस डे मनाते हैं. अब हमारे लिए इस डे का थीम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है. सो देख लेते हैं इसका थीम क्या है. थीम इज़ जेंडर एंड द ओशन. ओके, आपको याद रखना है 8 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड ओशंस डे, और जिसका थीम रहा था जेंडर एंड द ओशियंस. ठीक है, सो देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. Who has been sworn in as the new Chief Justice of Delhi High Court? Delhi High Court के नए Chief Justice कौन बन गए हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. आज की सेशन हम टोटल 15 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं एंड लेट्स सी आप कितने क्वेश्चंस यहाँ पर करेक्ट कर पाते हैं. तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज़ DN पटेल. इनका पूरा नाम है धीरूभाई नरेंद्रभाई पटेल. ठीक है, धीरूभाई नरेंद्रभाई पटेल जो है वो चीफ जस्टिस बन गए हैं दिल्ली हाई कोर्ट के. इससे पहले जो उन्होंने रिप्लेस किया है वो राजेंद्र मेनन को उन्होंने रिप्लेस किया है. ओके, सो DN पटेल इज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है आपके लिए. हु इज़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली? दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? सो अनिल बैजाल जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं. कहाँ के हैं? दिल्ली के हैं. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ Who among the following launched the स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 लीग? स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 लीग जो है उसको किसने लॉन्च किया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. आउट ऑफ दीज ऑप्शंस ABCD ऑप्शन में से यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर हो सकता है? सी, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, ही इज़ द मिनिस्टर ऑफ अर्बन अफेयर्स. हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर जो है उन्होंने इसको लॉन्च किया है एंड हिज नेम इज़ हरदीप सिंह पुरी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर C. यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, दैट इज़ हरदीप सिंह पुरी जो हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हैं. अब आपसे पूछा जा सकता है ये जो लीग है इसका कौन सा एडिशन है? सो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जो है इट विल बी द 5th एडिशन. ये 5th एडिशन होने वाला है. इसको लॉन्च कहाँ पर किया गया है? न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया था. सो ये सारे फैक्ट्स हम इस क्वेश्चन से याद रख लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which bank conducted e-auction for forest produce? फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस होता है उसका e-auction करने के लिए बैंक ने कंडक्ट करवाया है ये. ठीक है, तो कौन से बैंक ने ये e-auction कंडक्ट करवाया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपका बैंकिंग अफेयर का क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है. और यहाँ पर जो हम याद रख लेंगे वो ऑप्शन नंबर B है, दैट इज़ यस बैंक. तो यस बैंक ने कंडक्ट करवाया था e-auction जिसमें फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस है उसको बेचा जाएगा. तो यस बैंक के MD कौन है? रवनीत गिल. रवनीत गिल जो हैं वो हैं MD किसकी? एक्सिस बैंक की. हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में हेडक्वार्टर है. एंड द टैगलाइन इज़ एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज. एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज इज़ द टैगलाइन ऑफ व्हाट यस बैंक. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has been elected as the Prime Minister of Thailand? थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है. अभी रिसेंटली काफ़ी कंट्रीज़ जो हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेजिडेंट चेंज हो गए हैं. सो दीज ऑल अपॉइंटमेंट्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू. आपको सारे अपॉइंटमेंट्स का पता होना चाहिए. सो यहाँ पर जो थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं उनका नाम है प्रियुत चान ओचा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर D विल बी द करेक्ट आंसर हियर. अब यहाँ पर हमारे लिए 3 ऑप्शन और हमें दिख रहे हैं. सिरिल रामाफोसा जो हैं वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट अभी अपॉइंट किए गए हैं. व्लादिमीर जेलेंस्की हैं वो कहाँ के प्रेसिडेंट है, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन के प्रेसिडेंट है और वो एक कॉमेडियन भी रह चुके हैं। स्कॉट मॉरिसन प्राइम मिनिस्टर हैं, कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ऐसे आप एलिमिनेट करके भी इसको याद रख सकते हैं। थाईलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है, बैंकॉक, एंड द करेंसी इज़ थाई बाट। थाई बाट इज़ द करेंसी ऑफ व्हाट, थाईलैंड। हमें ये सारी चीज़ें यहाँ पर याद रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which country will host 2023 Asian Cup conferred by the Asian Football Confederation? यहाँ पर आपके लिए दो क्वेश्चन है, Where is the headquarter of AFC that is Asian Football Confederation? Next thing is Which country will host the 2023 Asian Cup? 2023 Asian Cup जो है वो कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है? यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज़ चाइना। तो आपको यहाँ से जो याद रख लेना है वो आपको चाइना याद रख लेना है। सी AFC जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इट इज़ इन मलेशिया। और मलेशिया में कहाँ पर है, इसकी कैपिटल जो मलेशिया के कुआलालंपुर, कुआलालंपुर में ये एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है उसका क्या है, हेडक्वार्टर है। यहाँ पर अगर आपसे प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो आप सलमान खलीफा बता देंगे। सलमान खलीफा इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ व्हाट, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। ओके, और यहाँ पर चाइना की फीफा रैंकिंग कितनी है, 74 है। हमसे फ़ीफा रैंकिंग भी पूछा जा सकता है। आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं व्हाट इज़ द फीफा रैंकिंग ऑफ इंडिया, इंडिया की इस टाइम पर फीफा रैंकिंग कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आपको पता है लास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको पता हो, हमारे यहाँ पर बेस्ट जो फुटबॉल प्लेयर है उनका नाम क्या है, सुनील छेत्री हैं। तो इंडियन बेस्ट फुटबॉल प्लेयर कौन है, सुनील छेत्री। हु विल लेड द इंडियन डेलीगेशन एट द G20 मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन ट्रेड। ट्रेड के ऊपर, ट्रेड से रिलेटेड एक G20 मिनिस्ट्रियल मीटिंग होने वाली है, उसको कौन इंडिया की तरफ से लेड करने वाला है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब ये मीटिंग कहाँ पर होगी, इट विल बी हेल्ड इन जापान, जापान में होने वाली है। जापान की एक सिटी है जिसका नाम है शुकुबा। सो जापान की शुकुबा सिटी है, वहाँ पर ये होने वाला है। यहाँ पर जो इंडिया को लेड करने वाले हैं वो है हमारे रेलवे मिनिस्टर दैट इज़ पीयूष गोयल जी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। अब सुरेश प्रभु जी तो हमारे पहले कॉमर्स मिनिस्टर होते थे, वो अभी नहीं है, ठीक है। निर्मला सीतारमन क्या है, निर्मला सीतारमन इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारे हम फाइनेंस मिनिस्टर हैं, एंड शी हैज़ बिकम द फर्स्ट फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट वीमेन। ओके, एंड अमित शाह इज़ होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकॉर्डिंग टू RBI डाटा इंडियन फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज फ्रॉम $1.8 बिलियन टू व्हाट टिल 31st में। फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, जो हमारे इंडिया में जो फॉरेन करेंसी होती है, जितना फॉरेन करेंसी जो हमारे फॉरेन करेंसी चेस्ट भी होते हैं, आपको पता हो तो उसमें क्या सेव किया जाता है, हमारे फॉरेन करेंसी सेव की जाती है। यहाँ पर पहले जो हमारे फॉरेन करेंसी जो हमारे पास थी वो 1.8 बिलियन थी, अब उसका अमाउंट काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है, और वो कितना हो गया है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज़ 4 to 1.8 बिलियन। तो आप देखेंगे कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, ये 4 to 1.8 बिलियन हो गया फ्रॉम 1.8 बिलियन। सो दिस इज़ द नंबर डाटा जो आपसे SBPU एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। SBPU एग्जामिनेशन में अगर आप पिछले साल का पेपर एनालाइज करेंगे तो मोस्टली जो क्वेश्चन थे वो नंबर से रिलेटेड पूछे गए थे, जिसमें कोई डाटा कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने चाहिए थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which country will confer its highest award Nishan-Izzuddin on Prime Minister Modi? कौन सी कंट्री कन्फर करने वाली है उस कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड जिसका नाम क्या है, निशान-इजुद्दीन है, आफ्टर PM मोदी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो निशान-इजुद्दीन जो अवार्ड है वो कहाँ का है, मालदीव्स का अवार्ड है, ठीक है। तो मालदीव्स का हाईएस्ट अवार्ड जो है वो है निशान-इजुद्दीन। अब मालदीव्स की कैपिटल क्या है, माले है, एंड द करेंसी इज़ रुफिया। मालदीव्स, माले, रुफिया हम याद रख लेंगे। यहाँ पर PM मोदी जो है मालदीव्स में विजिट पर भी जाने वाले हैं। मालदीव्स के प्रेसिडेंट का क्या नाम है, मोहम्मद सोली। सोली से आप याद रख लेंगे, SOLIH, ठीक है। तो मोहम्मद सोली जो है प्रेसिडेंट है कहाँ के, मालदीव्स के। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हु अमंग दीज विल रिटायर फ्रॉम पोजीशन ऑफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ विप्रो। विप्रो के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन थे जिन्होंने अपना अभी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, तो यहाँ पर हम सब जानते हैं उनका क्या नाम है, अजीम प्रेम जी है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। अभी उनको रिप्लेस कौन करने वाले हैं, ऋषभ प्रेम जी जो है वो नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन जाएंगे विप्रो के। ओके, पहले कौन थे, अजीम प्रेम जी थे, लेकिन अब जो बन गए हैं वो कौन है, ऋषभ प्रेम जी हैं। तो अब क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाएगा हु इज़ द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ विप्रो, then you will mark Rishabh Prem ji. Okay, So the next question is, who is the president of Asian Development Bank? ADB हमारे इंडिया में काफ़ी प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट करता है, तो ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक एज वेल एज हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसके प्रेजिडेंट का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज़ टाकेहिको नकाओ। टाकेहिको नकाओ हैं जो वो प्रेजिडेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक के। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में है। यहाँ पर आप बता सकते हैं ACD जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की हेड हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेम द इंडियन क्रिकेटर हु हैज़ अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट रिसेंटली। अभी कौन से इंडियन क्रिकेटर ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से? सो उनका नाम है, वो काफ़ी अभी न्यूज़ में चल रहे हैं। आप अगर देखोगे सोशल मीडिया पर भी उनकी बातें चल रही हैं, एंड हिज नेम इज़ युवराज सिंह, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, तो आपको यहाँ से युवराज सिंह का नाम याद रख लेना है, अभी उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। सो लास्ट के तीन क्वेश्चन आपके बच गए हैं। क्रेजी मोहन पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? क्रेजी मोहन जो है वो कौन से फील्ड से रिलेटेड है? सी, ही वॉज एन एक्टर एज वेल एज ही वॉज एन कॉमेडियन। ठीक है, वो एक्टर भी थे और वो क्या थे? कॉमेडियन भी थे। सो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। आपको ऑप्शन में अगर एक्टर दिखेगा तो आप वो मार्क करके आएंगे, अगर कॉमेडियन दिखेगा तो वो मार्क करके आएंगे, ठीक है। सो दोनों में से आपको कुछ भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। देखो, उनको एक अवार्ड भी दिया जा चुका है जिसका नाम है कलाममामी। कलाममामी जो अवार्ड है वो किस में दिया जाता है? जो एक अच्छा कॉमेडियन होता है, एक अच्छा एक्टर होता है, उसको कलाममामी अवार्ड दिया जाता है, जो किनको दिया जा चुका है? क्रेजी मोहन को दिया जा चुका है। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हु वन द कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2019? जो कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स है 2019 वो किसने जीत लिया है? यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए जो भी ग्रैंड प्रिक्स हो रहे हैं उसको किसने जीता है, क्योंकि ग्रैंड प्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखो, ये जिसने भी जीता है, इट इज़ हिज 7th विन, उनकी ये 7वीं जीत है। उनका जो नाम है वो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज़ लेविस हैमिल्टन। सो लेविस हैमिल्टन जो है उन्होंने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है बाय बीटिंग सेबेस्टियन वेटल को हराकर। अब देखो, लेविस हैमिल्टन जो है वो क्या है? मर्सिडीज़ ड्राइवर है, ये हमें पता होना चाहिए। वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बता सकते हैं। सो आज का हमारा फाइनल क्वेश्चन देखते हैं। Which bank has been fined ₹2 crore regarding stake holding? Stake holding के रिगार्डिंग 2 करोड़ का फाइन RBI ने लगाया है, लेकिन कौन से बैंक के ऊपर लगाया है? देखो, आपको ऐसे काफ़ी बैंक्स मिल जाएंगे जिस पे 2 करोड़ का फाइन लगाया गया है बाय RBI, बट यू हैव टू रिमेंबर द रीज़न व्हाई इट वाज फाइन। ठीक है, तो रीज़न यहाँ पर स्टेक होल्डिंग है, इससे रिलेटेड जो फाइन लगाया गया है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ कोटक महिंद्रा बैंक। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो कोटक महिंद्रा बैंक है। कोटक महिंद्रा बैंक के MD कौन है? उनका नाम जो है वो उदय कोटक है। ओके, सो आई ट्राइड माई बेस्ट इन टूडे सेशन, मैंने कोशिश किया, लास्ट तक आज आपका सेशन हो ही गया है। आई विल ट्राई कि आपका कल भी सेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इफ़ आई विल बी ओके, आई विल बी फीलिंग वेल, ओके। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि काफ़ी बार हम लाइफ में ठीक नहीं फील करते। यू माइट हैव हेल्थ इश्यूज़ एंड आई टू हैव हेल्थ इश्यूज़, ओके। So I think health should be the first priority. So as I will bring you the session as soon as I will be okay. और जितने भी हमारे जो करंट अफेयर के पीछे के सारे जितने भी MCQ हो जाएंगे वो हम सारे कवर करेंगे। कोई भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर हम स्किप नहीं करने वाले हैं, चाहे हमें आधे घंटे का सेशन लेना पड़े नेक्स्ट टाइम या फिर 1 घंटे का सेशन लेना पड़े। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप यहाँ पर सेशन को लाइक कर सकते हैं, सेशन को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। सो थैंक यू सो मच।